है घर या प्लॉट लेने जा रहे हैं लेक सिटी में, तो उसकी कीमत कुछ हिसाब से 5 मरले का प्लॉट है 16,90,000 में, 10 मरले का 32 लाख में, एक किनार का 64 लाख में, बेलिया टाउन में 5 मरले का 18 लाख में, 10 मरले का 37 लाख में और एक किनार का 63 लाख में, जबकि ईडन में 5 मरले का 8 लाख में घर है और प्लॉट है और 10 मरले का 16 लाख में। प्रॉपर्टी के तमाम तरह रेट हमने आपको बताया और इसके साथ ही आज के भाव जनाब खत्म हो गए हैं और अभी हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं यासमीन के साथ जो गपशप है, इस ब्रेक से वापस आके हम और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। और आज ब्रेक से वापसी हो गई है यासमीन के साथ, जहां गपशप का सिलसिला टूटा था वहीं से जरा आगे बढ़ाते हैं कि लॉस तो मौजूद है लेकिन बहरहाल इंसानी रवैया जो है ना वो ऑपोजिट हो गया है, लोग फॉलो करना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं अरे ये क्या है जी, कोई नहीं कुछ नहीं होता, चलो निकल जाओ आगे, छोड़ दो इशारे, या कोई हादसा हो गया तो वहीं पर उसको छोड़ के भाग गए, छोटी 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 कई ऐसी बातें हैं। जब हम इन बेसिक लॉस को फॉलो नहीं करते तो पैमरा को समझना या फिर साइबर लॉस को समझना, मीडिया लॉस को समझना कहाँ एक इंसान की समझ में, ये दो मुख्तलिफ एक चीजें हैं, ओवरलैप भी करती हैं हर जगह पर। सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों को एज पीपल, हम सबकी फैमिलीज, अब हम हमारा एक तो ये हक बनता है कि हम अपने जूनियर्स को, हमारे बच्चे हैं उनको वैल्यूज दें, अच्छा लेक्चर देने से ये वैल्यूज है। बिल्कुल ऐसे ही, जब तक मैं अमलन करके नहीं दिखाऊंगी तो मैं अपनी औलाद से कहूँ कि भाई तुम अमल करो, उसने अपनी माँ या बाप को तो अमल करते देखा नहीं इन बातों पर, तो ये एक तो ये चीज बहुत जरूरी, मतलब खुद झूठ बोल रहे हैं दूसरों को, झूठ बात बोल। अमूमन एक छोटी सी बात बताऊँ, हम किसी को नहीं मिलना या कोई फोन आया कितनी छोटी सी बात है, लेकिन आप बच्ची को क्या मैसेज दे रहे हैं, इट्स ओके टू लाइ, बिल्कुल इट्स ओके टू लाइ। अब वो एक नन्ना जहन जो कच्चा जहन है वो ये नहीं समझता कि छोटी बात पे झूठ बोल रहे हैं या बहुत बड़ी, झूठ जो एक वैल्यू ले रहा है कि झूठ बोलना दुरुस्त है। अगर एक और बड़ा हम लोग अपना सवाब जो है ना उसको कमाने की कोशिश कर देंगे, किसी के भले के लिए बेजरर झूठ बोल दिया तो क्या होता है, देखिए झूठ झूठ होता है, झूठ तो बहरहाल बेजरर झूठ तो ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए अपनी आसानी के लिए आपने बदल दिया है कि ये लॉ है, मुझे कुछ और बात करनी है, मैं उंगली मरोड़ के मैं कहूँ अच्छा इसका तो ये मतलब नहीं, तो अब भाई इसका तो मेरे पास जवाब है। दूसरी चीज आ गई मीडिया कर, मीडिया आयशा इसमें बहुत पॉजिटिव किरदार अदा कर सकता है। हम जो हर वक्त आप सारा दिन देखें, खसूसन शाम में दुनिया में एंटरटेनमेंट चैनल्स होते हैं, हमारे यहाँ टॉक शोज हैं, उसी में एंटरटेनमेंट है, उसी पे आप हंस लें। और अच्छा ये सब आप अगर एक दिखाना भी चाहते हैं लेकिन एक हिस्सा रखिए टाइमिंग के हिसाब से जो आपका टारगेट कंज्यूमर है, कि आप अच्छी जो वैल्यूज है वही वही मैं चाह रही हूँ ना कि फोकस हमारा क्या है, इज्जतें उछालना बन गया है प्लेन गेम, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वो क्या है हम लोग खुद एज यंगस्टर्स जब देखते हैं, हमारे बड़े तो चलो वो समझते हैं इन चीजों को, शायद वो हजम भी करते हैं, यंगस्टर्स देखते हैं, हमारे छोटे बहन भाई देखते हैं तो वो और दूर भागते हैं, कहते हैं यार ये तो बिल्कुल ही हमारे समझ में ना आने वाली जो है ना बात है। आगे ही आपकी नौजवान नसल आपसे नाला है, वो कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसीज की वजह से, आपकी जो भी आप उनको दे रहे हैं उस वजह से, और फिर जब इस तरह के रवैये आपके देखने में आते हैं कि अखलाकी तौर पे भी आप इतनी गिरी हुई बातें आपस में कर रहे हो और आपकी हरकत भी जो है वो सामने मीडिया में, तो हर चीज ऑब्वियस है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इन चीजों को कंट्रोल करना चाहिए ना, इनको बिल्कुल करना चाहिए, इसीलिए कानून भी है। अब अगर रेलिवेंट इदारे जिनको ये कानून नाफिज करना चाहिए फॉर रीजंस बिटर नॉन फॉर टू देमसेल्फ, सही उसको ना करें, तो क्योंकि देखिए मैं ये समझती हूँ अगर आप एक दफा एक एग्जांपल सेट कर दें मैंने गलत किया, आप पकड़ लें मुझे रिस्पेक्टिव मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, मेरे क्या ताल्लुकात है, मेरी क्या स्टैंडिंग है, अगली दफा के लिए हर बंदा होशियार रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होता, हम पकड़ते उनको है जिनके जो रिश्वत नहीं देंगे या इस काबिल नहीं होते या वो उनके ताल्लुकात नहीं होंगे, लेकिन जिसके पास ये है उसको हाथ डाला। सो यू सी डबल स्टैंडर्ड्स को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, और इसमें मीडिया का एक बड़ा पॉजिटिव रोल होगा। अच्छा एक और बात मैं जानना चाहूंगी कि मेरे अपनी जो अभी तक कोई थोड़ा बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मीडिया में, मैंने थोड़ा सा जो ऑब्जर्व किया है पैमरा लॉस के हवाले से कि कोई भी जहां पर पहले ऐसा वाक्य हो जाता है ना जो गैर कानूनी हो गया, टीवी पे आ गया कुछ लाइक ऐसे अल्लाह माफ करे कोई लाशें नजर आ गई हैं वहां पर या फिर कुछ और गैर अखलाकी चीज दिखाई गई है, पहले वो दिखा दी जाती है उसके बाद लॉस सामने आते हैं,
तो ये जब लॉजिक सेट है ऑलरेडी सबको पता है कि ये चीज दिखाना गलत है, ये बताना गलत है, ऐसे बात करना गलत है, तो इनको पहले अलग क्यों नहीं होता, बाद में क्यों कैमरा को याद आता है कि जी अब आप जो है वो इनको नोटिस जारी करें, अब इन पे एक्शन लिया करें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि जब पहला कानून आया कैमरा का 2002 उसमें इट वॉज बेसिकली एन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसमें ये तफसीलात नहीं थी कि ये दिखा सकते हैं ये नहीं बता सकते एंकर मैन या एंकर वुमन क्या करेगा या क्या करेगी और नहीं। अब तो सब कुछ की जा रही है बिल्कुल, आप बात कर रही है ना कि वो लाशें दिखा दी, कि वो आपको लाल मस्जिद का अगर वाकई आया वो किसी बिल्कुल उठा के दिखा दी, मैंने देखी ये देखिए दुनिया में कहीं नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा उसके बाद वो जंगे हारने की वजह ये चीजें बनी है, आपको कभी नहीं दिखा रहे इंटरनेशनल मीडिया को आप नहीं दिखा रहे, लेकिन वो हदूद का टाइगन हो चुका 2007 में, उसके बावजूद आप देखेंगे अगर आप कैमरा 2007 को सामने रख लें और हमारे मीडिया की कवरेज को जनरली में किसी एक किसी चैनल की मैं जनरली आजकल हम देखते हैं तो सामने रख लें तो आप कहेंगे कि या तो मैं कानून गलत पाया बिल्कुल या कोई कुछ गड़बड़ है। अब यही मैंने जो पहले बात करी कि जो कानून नाफिज करने वाला इदारा है ये उसका हक है कि वो इन चीजों की रोकथाम करे और पासपोर्ट करे, और अगर वो एक दफा किसी को एग्जाम्पल कर लेंगे ठीक हो गया तो अगली दफा के लिए सब लोग मौका करें। बिल्कुल ऐसा ही है यासमीन, बड़ी मजे की डिस्कशन हो रही है मीडिया के बारे से, खासकर जो ये एक फील्ड आगे बढ़ती जा रही है ना, लोगों को शिकायत भी है, लोग थोड़ा एंटरटेन भी होते हैं, तो हम इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको जनाब बता दें कि आज जमाल का हाल क्या है। अरमान के हाल में सबसे पहले आपके सामने जिक्र है जनाब अमेरिकन डॉलर के रेट्स, कुछ इस तरह से कि बाइंग रेट है 95.30, सेलिंग है 96.00, पाउंड स्टर्लिंग 147.92, सेलिंग है 148.81, यूरो 119.23, सेलिंग है 119.98, साउथ रियाल 25.38, 25.48, सेलिंग है जुए दिरहम 25.89, बाइंग रेट और सेलिंग है 26.02, कुर्सी दिनार 337.62, सेलिंग है 342.67, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 95.08, सेलिंग है 97.11, जापानीज येन 1.1754 और सेलिंग है 1.1824। इसके साथ आपको बताया कि स्विस फ्रैंक अगर आप खरीद लें तो 99.16 इसका बाइंग रेट है और 99.386 इसका सेलिंग है, जबकि लास्ट में कैनेडियन डॉलर है जनाब बाइंग रेट 92.34 और सेलिंग है 93.41। बाइंग रेट्स और सेलिंग रेट के हिसाब से आपको पता लग गया होगा कि करंसी रेट क्या चल रहे हैं। यासमीन के साथ गपशप वहीं थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे कि मीडिया के हवाले से लिमिटेशन तो हम सोच रहे हैं कि हमारे माशरती रवैयों में हमारे चैनल्स को सबको ये सोचना चाहिए कि ओवरऑल अगर हम बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं तो ब्लेम गेम में नहीं बल्कि हमें कुछ एथिक्स जो हैं उनका बेसिकली ख्याल रखना चाहिए। एज अ टीचर माशाल्लाह आप काम कर रही हैं और बड़ा एक टीचर का रोल होता है एक क्लास को बिल्डअप करने में, क्योंकि उस वक्त आप सबको लेके साथ चल रहे होते हैं, अपने बच्चों की तरह सबको ट्रीट कर रहे होते हैं, कैसा रहता है कि भी बच्चे शिकायत करते हैं कि टीचर आज आपने ये बात जो है कभी समझ में नहीं आई, कभी शिकायत कर दी है किसी बच्चे पे, कभी गुस्सा आ गया, कैसा रवैया होता है? देखिए नॉर्मली मेरा अपने स्टूडेंट से बहुत फ्रेंडली रहता है। अच्छा अपने